हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ नदी के फिश करी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से विलेज स्टाइल में चूल्हे पर आप लोग कैसे बना सकते हैं। आप लोग गैस में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी माँ चूल्हे पे बनाएंगे, तो मैं आज सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही सिंपल और कम मसाला से मेरी माँ बना के दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को शुरू करते हैं। फ़िश करी बनाने के लिए देखिए, बाज़ार से बहुत सारे फिश लेकर आए हैं, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही अच्छी फिश है, बहुत ही हेल्दी भी है, बहुत ही टेस्टी लगती है फ़िश करी। मेरी माँ सबसे पहले फ़िश अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, साफ़ करके कटेंगे इस तरह से, अंदर की जो सारे मैले इस तरह से निकल देंगे। देखिए माँ साफ कर रही है इस तरह से। बहुत ही सिंपल मसाला से बनाएंगे, घर में जो भी मसाला रहते हैं वो मसाला से बनाएंगे, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए यार, ये फिश भी तो बहुत ही अच्छी लगती है। दो तीन फिश मिला है, मिक्स है, ऐसे करके सारे फिश साफ करके काट के धो के आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फिश अच्छी तरह साफ करके धो लिए हैं। इसमें भी माँ सारे मसाला दे देंगे। मसाला देके मेरी माँ फिश मिक्स करके आधा घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद फिश करी बनाएंगे। इसमें दे देंगे जीरा का पेस्ट, जो मेरी माँ घर पर बनाए हैं, और इसमें दे दी है लहसुन, नमक, प्याज, हरी मिर्च। इसमें दे देंगे मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर दे देंगे, और सरसों का तेल देके हाथों से मिक्स करके बनाएंगे, जो बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह से फ़िश करी। आप लोग तो फिश बहुत तरीके से बना के खा सकते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह से एक बार बना के ज़रूर खाएगा। इस तरह से सारे मसाला के साथ फ़िश माँ मिक्स करके आधा घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद फ़िश करी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुकी है, तो चलिए अभी फ़िश बनाते हैं। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, इसमें दे देंगे प्याज, हरी मिर्च, थोड़ी सी कच्चा जीरा और सरसों का तेल दे देंगे। सरसों का तेल से फिश या गोश्त आप लोग किसी भी सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। और सारे इस तरह से एक दो मिनट तक भुनना है, फ्राई कर लेना है। प्याज हरी मिर्च फ्राई कर लिए हैं, इसमें अभी फिश दे देंगे। फिश दे दिए है, फिश एक दो मिनट तक इसी तरह से इस तरह से भून लेना है। और ये बहुत ही नरम फिश है, इसमें पानी दे देंगे। देखिए इसमें पानी दे दिए हैं, अभी फ्लेम हाई करके ढक्कन देके 5-6 मिनट तक पकाना है। देखिए फ्रेंड्स, ढक्कन देके 4-5 मिनट तक पकाया है, अभी ढक्कन हटा के फिर से 4-5 मिनट तक पकाएंगे। ये बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाती है, बहुत ही नरम फिश है। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग फिश हमारी हो चुकी है। ये
देखिए फ्रेंड्स, फाइनली फ़िश करी हमारी पूरी तरह से हो चुकी है। देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आई है, बहुत ही अच्छी लग रही है, कलर देखने में भी अच्छी लग रही है। अभी चूल्हे से कढ़ाई निकल के एक बर्तन में सर्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ी सी ठंडा होने के बाद फ़िश करी कैसी बनी, ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली फ़िश करी हमारी पूरी तरह से हो चुकी है। देखिए मैंने थोड़ी सी ठंडा कर लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी कलर आई है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। मैं क्या बताऊँ, आप लोग इस तरह से एक बार बना के ज़रूर खाएं, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि यह कितनी स्वादिष्ट बनी है। आप लोग कलर देख के बोल सकती है, और आप लोग इस तरह से बना के ज़रूर खाएं, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स आज की फिश करी रेसिपी नदी का आप लोगों को कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।